हेलो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में जीएसटी ग्रीन सॉफ्टवेयर का फंक्शन कैसे वर्क करता है एंड इसमें एंट्री कैसे करेंगे ये देखेंगे। अकाउंट से हम यहाँ पे पेमेंट्स में जाएंगे, पेमेंट से हम यहाँ पे लेजर पे क्लिक करेंगे, हम यहाँ पे डेट सिलेक्ट कर लेंगे जिस डेट से हमें फेच करना है, फिर हम यहाँ पे सप्लायर या किसी का भी हम यहाँ पे नेम सिलेक्ट करके सर्च बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे डेट शो करेगा, जिनका नेम हमने सर्च किया है उनका नेम, उनका मोबाइल नंबर, कितना अमाउंट रिसीव हुआ है, कितना पे हुआ है, उनका पर्पस क्या था, ये हमें यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे डेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे अमाउंट पेड, रिसीव अमाउंट, कितना बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस एंड नेट बैलेंस हमें यहाँ पे शो होगा। इस रिकॉर्ड को हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं और हम यहाँ पे डेट और नेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम किसी के भी पर्सन का लेजर को हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पे पे में जाएंगे, अगर हमें कोई नॉर्मल पेमेंट का रिकॉर्ड हमें यहाँ पे रखना है तो हम यहाँ पे न्यू नॉर्मल पे बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे अगर उनका डिटेल यहाँ पे एडेड है पहले से तो, लेकिन कितना अमाउंट हमें पे करना है वो हम यहाँ पे डालेंगे। डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और इसे यहाँ पे सेव कर लेंगे तो हमारा जो पेमेंट का रिकॉर्ड है वो हमें यहाँ पे सेव हो जाएगा। देन अगर इनवॉइस बेस्ड पेमेंट है तो हम यहाँ पे इनवॉइस बेस्ड पेमेंट को हम यहाँ पे सेव कर लेंगे, हम यहाँ पे न्यू इनवॉइस बेस्ड पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे इनवॉइस नंबर को हम यहाँ पे सर्च करेंगे। सर्च करने पे इनका यहाँ पे जैसे ड्यू अमाउंट हमें शो कर रहा है कितना अमाउंट ड्यू है, तो हम यहाँ पे डेट सेलेक्ट करेंगे जिस डेट में हम यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे अमाउंट पेड में कितना अमाउंट डालेंगे, डिस्क्रिप्शन ऐड करना है तो डिस्क्रिप्शन ऐड करके हम यहाँ पे सेव कर लेंगे तो हमारा जो इनवॉइस बेस्ड पे है वो हमारा यहाँ पे सेव हो जाएगा। जितने भी रिकॉर्ड है इसे हम यहाँ पे एक्शन कॉलम से हम यहाँ पे एडिट या डिलीट कर सकते हैं एंड प्रिंट कर सकते हैं। वैसे ही हम अगर पेमेंट रिसीव कर रहे हैं किसी से तो रिसीव में हम यहाँ पे उसका रिकॉर्ड रख सकते हैं, नॉर्मल रिसीव में हम यहाँ पे जिनसे हम पेमेंट रिसीव कर रहे हैं उनका रिकॉर्ड हम यहाँ पे रख लेंगे, उनका यहाँ पे अगर उनका डिटेल्स ऑटोमेटिकली आ जाएगा अगर एडेड है पहले से तो, कितना अमाउंट हम रिसीव कर रहे हैं वो हम यहाँ पे डालेंगे। डिस्क्रिप्शन ऐड करना है तो हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं और इसे हम यहाँ पे सेव कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा नॉर्मल रिसीव का यहाँ पे रिकॉर्ड हमारा यहाँ पे सेव हो जाएगा। देन अगर यहाँ पे हम एक्शन कॉलम से इसे एडिट या डिलीट कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं, और अगर हमें इनवॉइस बेस्ड रिसीव पेमेंट अगर डालना है उसका रिकॉर्ड रखना है तो हम यहाँ पे न्यू इनवॉइस बेस्ड रिसीव बटन पे क्लिक करेंगे, इनवॉइस नंबर हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे एंड सर्च करेंगे तो अगर हमने हमारा यहाँ पे अगर ड्यू अमाउंट हमें यहाँ पे शो होगा अगर उनका, तो हम यहाँ पे ड्यू अमाउंट में जितना अमाउंट है वो अमाउंट रिसीव में लिखेंगे, देन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड करके सेव करेंगे तो हमारा जो न्यू इनवॉइस बेस्ड रिसीव्ड है वो हम यहाँ पे रिसीव का रिकॉर्ड यहाँ पे रख सकते हैं। अकाउंट से हम यहाँ पे डेबिट में जाएंगे, हम यहाँ पे डेट के अकॉर्डिंग सर्च कर लेंगे, सर्च करने पे हमें यहाँ पे डेट, कितना अमाउंट रिसीव किया है, उसका पर्पस क्या था, कितना पे किया गया है ये हमें शो होगा। अकाउंट स्टेटमेंट में हमें यहाँ पे डेट के अकॉर्डिंग रिसीव अमाउंट, पेड अमाउंट, कितना बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस एंड नेट बैलेंस हमें यहाँ पे शो होगा जिसे हम यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हैं। फिर अकाउंट से हम यहाँ पे बैंक फैसिलिटी पे जाएंगे, बैंक फैसिलिटी में हम यहाँ पे बैंक रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे हम अकाउंट नंबर अगर पहले से है तो हम इसे अकाउंट नंबर डालेंगे, बैंक नेम हम यहाँ पे डाल सकते हैं, देन जिस डेट में पेमेंट का रिकॉर्ड रखना है उस डेट का हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, मोड क्या था, कैश, चेक, ऑनलाइन या बैंक चार्ज था वो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, रेफरेंस नंबर का हम यहाँ पे रेफरेंस नंबर ऐड कर सकते हैं,
अमाउंट हम डिपॉजिट कर रहे हैं वो यहाँ पे डालेंगे, और कितना विदड्रॉ कर रहे हैं वो हम यहाँ पे डालेंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे जीरो डाल देंगे, ऐड बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा पे बैंक रिकॉर्ड यहाँ पे हमारा सेव हो जाएगा। देन हम रिपोर्ट से जाएंगे आउटस्टैंडिंग एनालिसिस में, यहाँ पे रिसीवेबल में हम यहाँ पे डेट के अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हैं कितना अमाउंट हमें किस कस्टमर से रिसीव करना है। अगर इनका यहाँ पे कोई बैलेंस अमाउंट होता तो हमें यहाँ पे बैलेंस अमाउंट में हमें यहाँ पे शो होता कि कितना उनसे हमें रिसीव करना है। वैसे ही हम पेबल में जाएंगे, देन हम यहाँ पे सप्लायर नेम हम यहाँ पे सिलेक्ट करके सर्च करेंगे तो इसका हमें यहाँ पे शो होगा कि कितना हमें पेमेंट करना है इस सप्लायर को, तो उनका बैलेंस अमाउंट हमें शो होगा। इस सप्लायर को हमारा बैलेंस अमाउंट जीरो है, इन्हें हमें एक भी पैसे पे नहीं करने हैं। वैसे हम यहाँ पे रिसीवेबल एंड पेबल अमाउंट देख सकते हैं कि कितना हमें किसको रिसीव, कितना हमें अमाउंट रिसीव करना है एंड कितना पे करना है। देन एम्प्लॉय से रिलेटेड जितने भी एंट्रीज है वो हम यहाँ पे एम्प्लॉय सेक्शन में करेंगे। एम्प्लॉय में जाएंगे, फिर हमें एम्प्लॉय का रिकॉर्ड हमें यहाँ पे ऐड करना है तो हम यहाँ पे ऐड एम्प्लॉय बटन पे क्लिक करेंगे, एम्प्लॉय का नेम डालेंगे, उनका पोजीशन हम यहाँ पे डालेंगे, फादर नेम डाल सकते हैं, उनका स्पाउस का नेम डाल सकते हैं, कंट्री डालेंगे, स्टेट डालेंगे, देन सिटी डालेंगे, एड्रेस डाल देंगे, उनका डी ओ भी अगर डालना है तो हम यहाँ पे डी ओ भी ऐड कर सकते हैं, मोबाइल नंबर हम उनका ऐड करेंगे, मेल आईडी अगर ऐड करना है तो मेल आईडी ऐड कर सकते हैं, स्टेटस में अगर वो यहाँ पे वर्क कर रहे हैं तो लेफ्ट, अगर वो छोड़ चुके हैं तो लेफ्ट हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, अगर वो आई प्रूफ देते हैं तो, अगर कोई सा भी आई डी प्रूफ देते हैं तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, सपोज आधार नंबर, हम यहाँ पे आधार नंबर डाल सकते हैं, वो उनका ज्वाइनिंग डेट हम यहाँ पे डाल सकते हैं कि वो कब यहाँ पे ज्वाइन किए हैं, उनकी मंथली सैलरी अमाउंट कितनी है वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे, अगर कोई डिस्क्रिप्शन देना है तो हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं, वहीं से यहाँ पे सेव कर लेंगे, उनका रिकॉर्ड हमारा यहाँ पे सेव हो जाएगा, उनका रिकॉर्ड यहाँ पे आ चुका है। एक्शन कॉलम से हम यहाँ पे रिकॉर्ड को एडिट, व्यू या डिलीट कर सकते हैं। फिर एम्प्लॉय से हम जाएंगे एम्प्लॉय अटेंडेंस में, यहाँ पे हम एम्प्लॉय के अटेंडेंस का रिकॉर्ड पूरा मेंटेन करके रख सकते हैं। न्यू अटेंडेंस बटन पे क्लिक करेंगे अटेंडेंस लेने के लिए, हम यहाँ पे डेट सिलेक्ट करेंगे जिस डेट का हमें अटेंडेंस लेना है, हमें यहाँ पे रिकॉर्ड हमें यहाँ पे शो कर रहा है पूरे एम्प्लॉयज का, जिसमें यहाँ पे प्रेजेंट में मार्क्ड है, अगर किसी एम्प्लॉय का अगर हमें एबसेंट मार्क करना है तो हम यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी सिलेक्ट करके यहाँ पे रिमार्क में ऐड कर सकते हैं कि क्यों वो एबसेंट है, एबसेंट मार्क करेंगे तो यहाँ पे उनका एबसेंट मार्क हो जाएगा, और अगर हमें हॉलीडे डालना है तो हम यहाँ पे हॉलीडे सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हॉलीडे का नेम डाल देंगे कि कौन से हॉलीडे के लिए छुट्टी है, सपोज दिवाली, तो हम यहाँ पे सेव करेंगे तो यहाँ पे उनका रिकॉर्ड यहाँ पे सेव हो जाएगा, इनका रिकॉर्ड यहाँ पे हमारा सेव हो चुका है। सारे रिकॉर्ड को हम यहाँ पे एक्शन कॉलम से एडिट या डिलीट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, पीडीएफ में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। एम्प्लॉय से हम जाएंगे एम्प्लॉय सैलरी में, एम्प्लॉय सैलरी में अगर उनको सैलरी का रिकॉर्ड हमें रखना है तो यहाँ पे एम्प्लॉय न्यू सैलरी बटन पे क्लिक करेंगे, एम्प्लॉय नेम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सर्च कर लेंगे, उनका डिटेल्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा स्टाफ डिटेल से, और सैलरी कैलकुलेशन में हम यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी का यहाँ पे सर्च करेंगे तो वो टोटल कितने टोटल डेज प्रेजेंट थे, उनका सैलरी अमाउंट, टोटल मंथ में कितने डेज हैं, उनकी पर डे की सैलरी कितनी है, और नेट सैलरी में उनके अटेंडेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे सैलरी शो होगी। यहाँ पे मंथ हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे किस मंथ का हम यहाँ पे सैलरी उनको पे कर रहे हैं,
डिस्क्रिप्शन देना है तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर सकते हैं, मैं इसे सेव कर लेंगे। तो यहाँ पे एम्प्लॉय की सैलरी जो है यहाँ पे अपडेट हो चुकी है, उनका पेमेंट का रिकॉर्ड हमारे यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपने अकाउंट्स एंड एम्प्लॉय मैनेज कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर में। थैंक यू।